पूरे नूह को किले में तब्दील कर दिया गया है। जवानों की तैनाती पूरे नूह में की गई है और ख़ास तौर पर नलहड़ महादेव मंदिर से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर पहले ही सभी को रोका जा रहा है। भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है नलहड़ महादेव मंदिर से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर। आप देख सकते हैं हथियारबंद जवानों को यहां पर तैनात किया गया है। पुलिस बल की तैनाती भी यहां पर की गई है। पूरी तरह से बैरिकेटिंग की गई है। ये जो पूरा रास्ता है, आपको बता दें नलहड़ महादेव मंदिर की तरफ जाता है और उन्हीं श्रद्धालुओं को मंदिर में जाने की इजाज़त है जलाभिषेक करने की, जो नूह के रहने वाले हैं। बाकायदा 2 बार सिक्योरिटी वेरिफिकेशन किया जा रहा है। उनके कार्ड जो हैं, आई कार्ड हैं, उन्हें देखा जा रहा है। अगर वो नू के हैं, आई कार्ड में ये लिखा हुआ है, तभी उन्हें जाने दिया जा रहा है, अन्यथा सभी को बाहर कर दिया गया है। मीडिया कर्मियों को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने यह कदम उठाया है। आपको बता दें किले में तब्दील हो चुका है पूरा नू, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद अपनी बातों पर अभी भी अड़ा हुआ है कि 11 बजे के करीब में सुबह आज यहां पर जलाभिषेक करने के लिए वो आएंगे और ब्रिज मंडल की यात्रा की शुरुआत करेंगे। अपील बीएचपी की तरफ से यह भी की गई है कि यहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हों, ऐसे में पुलिस की तरफ से इजाज़त नहीं दी गई है किसी भी यात्रा के लिए, और ऐसे में पूरे नूह में, नूह के एंट्री पॉइंट पर, एग्जिट पॉइंट पर, सभी जगह पर सुरक्षा बल की तैनाती है। ड्रोन से नज़र रखी जा रही है और यहाँ पर ये पूरा जो प्रांगण है मंदिर के बाहर के हिस्से में, आप देख सकते हैं यहाँ पर हथियारबंद जवान यहाँ पर तैनात हैं। कुछ लोग जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे थे, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये दर्शन करने के लिए आए थे, किस तरह से दर्शन इनके हो सके हैं। आपसे जानना चाहेंगे चाचा, दर्शन करने आए थे, आप लोग को आई कार्ड दिखाना जरूरी कर दिया गया है पुलिस की तरफ से, आप यहीं के रहने वाले? बहुत बढ़िया, जल चढ़ा के आया, भंडार उखा के आया, कोई दिक्कत ना है। अंदर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है पुलिस बल की तैनाती? कम सुनो यार, अंदर कितना पुलिस बल है सुरक्षा? पुलिस बहुत काफी काफी पुलिस काफी वहाँ भी, इधर भी, उधर भी। तो आपका आई कार्ड देखा जा रहा है? हाँ। तभी जाने दे रहे हैं अंदर? सब सब जाने दे रहा, आधार कार्ड ले रहा, लिख के है नहीं, जान दे रहा। आपने कैसे दर्शन किए, कितना अच्छा दर्शन हुआ? बहुत तसल्ली से जी, प्रेम पूर्वक, और कोई दिक्कत नहीं है वहाँ। उस नाके पे भी पुलिस का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, और आगे भी मंदिर के गेट पर भी, मेन गेट पर, वहाँ आधार कार्ड देख के जब निकलने दिया जा रहा है। एक साथ जलाभिषेक कर लिया आपने, कितने खुश हैं? बहुत खुश है जी, खुश है। आज आखिरी सावन का आखिरी सोमवार है, बहुत अच्छे दर्शन कर रहे हैं। पूछताछ कर रही है आप लोगों से कि कहाँ के? हाँ, पूछताछ तो कर ही रहे हैं, वे बोल रहे कहाँ के, बल्कि यहीं के ही पास के गाँव के। आप खड़े रहिएगा। जो विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि हम आएंगे, जलाभिषेक करेंगे, बड़ी संख्या में लोग आए, जो यात्रा हमारी अधूरी रह गई थी 30 जुलाई को, उसे पूरा किया जाएगा, तो आपका क्या कहना है? पुलिस ने उनको इजाज़त नहीं दी है? ये तो जी आना चाहिए था जी, पर जो कार्य अधूरा रह जाता पूरा पर शांतिपूर्वक आए तब होता है। हाँ, विश्व हिंदू परिषद का कहना था कि वो अधूरा रह गई थी यात्रा, उसे पूर्ण करना है आज, तो उन्हें इजाजत नहीं दी पुलिस ने। हाँ, तो यही है पुलिस का वो है मसला इसमें, उनकी चाहिए थे इजाजत, आपको देना चाहिए थे हिसाब से, क्योंकि अपने धर्म की तो हर आदमी वो करता है। लास्ट सोमवार था ये, इस महीने का सावन का, उसमें तो अब वो शांतिपूर्वक हो जाता कार्यक्रम। तो ये देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं का साफ तौर पे कहना है कि बाकायदा चेकिंग की जा रही है, आई कार्ड देखा जा रहा है, और जो नूह के रहने वाले हैं उन्हें ही इजाज़त है कि वो जाकर दर्शन कर सके। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ दीपक दुबे, News24 नूह। इस वक्त हम मौजूद हैं नूह के नलहड़ महादेव मंदिर से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, क्योंकि पुलिस ना मीडिया कर्मियों को अंदर जाने दे रही है और ना ही बाहरी किसी शख्स को। जो नूह के हैं, जो अपना आई कार्ड दिखा रहे हैं, उन्हें ही अंदर जाकर दर्शन करने और जलाभिषेक करने की परमिशन दी गई। हमारे साथ स्थानिक हैं जो मंदिर में गए थे यहीं के दर्शन करने के लिए, इनसे जानेंगे किस तरह से इनके दर्शन हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था और किलेबंदी की गई है पूरे नूह में, आप दर्शन करने गए थे, क्या समस्या आई, क्या आधार कार्ड आई कार्ड दिखाना पड़ा तभी दर्शन हो पाए? जी नाम? मेरा नाम रघुवीर सिंह है, मैं निवासी नूह से हूँ जी।
दर्शन खूब बढ़िया हुए हैं, लेकिन आज जो हमें अपनी आइडेंटिफाई करानी पड़ी है ना, वो ऐसे करानी पड़ी है जैसे हम जम्मू कश्मीर के किसी मंदिर में आए हों या दर्शन के लिए। बहुत दिनों बाद हमें ऐसा महसूस हुआ है कि हम पाकिस्तान में ही रह रहे समझो जी, जम्मू कश्मीर को भी छोड़िए आप। हमें बहुत दुख हुआ इस चीज़ के लिए कि हमें 6 जगह तो अपनी आईडी दिखानी पड़ी, तब जाके हमें जो है दर्शन हुए हैं अपने शिव शंकर भोले भगवान के। बाकी शुक्र है कि हम अब दर्शन बहुत बढ़िया करके आए हैं, यहाँ सुकून से रहा है, प्रशासन ने सारा इंतजाम कर रखा है। लेकिन अगर हिंदू इस तरीके से डरेगा और अपने ही मंदिरों में नहीं जाएगा तो वो हिंदू रहने का कोई फ़ायदा नहीं है उसका। इस मेवात में तो हिंदू जो है उसी तरीके से रह रहा है। मैं तो साफ कहता हूँ कि अपने ही मंदिरों में इस तरीके से अजनबी बन के जाना पड़ रहा है अपने ही देवताओं के दर्शन करने के लिए। अरे हम तो किसी की भी, अब ये मुहर्रम का निकालते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं कहीं भी, किसी हिंदू ने आज तक इनके खिलाफ कोई ऐसा किया है कि बोले भाई वहाँ पथराव किया हो? हम तो बहुत बढ़िया तरीके से रह रहे थे। तुम्हारी लड़ाई बजरंग दल से है, विश्व हिंदू परिषद से है, उनसे अपनी लड़ाइयाँ लड़ते रहो, हमें क्या लेना देना उनसे। हम शहर के जो है बजरंग दल के हैं, क्या हम विश्व हिंदू परिषद के हैं? हम शहर के तो अपने मंदिरों में आएंगे ही आएंगे। लेकिन हमें बहुत मोटा दुख हुआ जी आज। विश्व हिंदू परिषद को इजाज़त नहीं दी है पुलिस प्रशासन ने, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो अधूरा रह गई थी यात्रा उसे हमें आज पूर्ण करना है। जगह जहाँ किलेबंदी है, पुलिस बल तैनाती है, किसी को ऐसे जाने की इजाज़त नहीं है। क्या लगता है विश्व हिंदू परिषद ने जो कदम उठाया है, जो अपनी बातों पर अड़ी हुई है कि हम तो दर्शन करने आएंगे, जलाभिषेक करने आएंगे, यात्रा निकालेंगे, क्या उनके साथ हैं आप? हिंदू के नाते मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हिंदू के नाते जो हमारी यात्रा अधूरी रह जाती है वो यात्रा हमें पूरी करनी होती है। लेकिन ये स्थिति उत्पन्न होगी हिंसा, क्योंकि एक बार हो चुका है ये हिंसा, लॉ एंड ऑर्डर, लोगों की तकलीफ। हाँ देखो, ये भी तो सवाल है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। तो ये बात है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है हमारे हिंदुओं की यात्रा के ऊपर ही लगाए जाते हैं, ये मुसलमानों के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर नहीं लगता है। इनकी अगर कोई यात्रा होती तो मेरा दावा है अगर प्रशासन एक भी ये बीच में कह देता कि भाई आपको यात्रा की अनुमति नहीं है, ये हिंदू यात्राओं के ऊपर ही अनुमति नहीं मिलती है जी प्रशासन की तरफ से। इससे हमें रोष है इस प्रकार का कि देखो मानते हैं सौहार्द हिंदुओं ने नहीं बिगाड़ा यहाँ का, इसको भी बिगाड़ने वाले वही हैं लोग, और जो लोग हैं उनके खिलाफ प्रशासन ने ये छोटा मोटा किया है, ये तो आम आदमी को परेशान करने के लिए किया है। लेकिन जो असली आदमी वो तो राजस्थान भाग गए यहाँ से। थैंक यू। आपके दर्शन कैसे हुए बेटा? आपके दर्शन कैसे हुए? बहुत अच्छे हुए, बहुत बढ़िया हुए जी साहब, बहुत अच्छा लगा। महाकाल के दर्शन हुए, जय महाकाल, हर हर शंभू। आपके दर्शन बेटा कैसे हुए? बहुत अच्छे हुए हमारे दर्शन भी। बस शिव जी से क्या मांगा आपने? बस हिंसा खत्म हो जाए और अच्छे से जान लग रहा है, हिंसा ना हो, आपने ये मांगा है, ये नहीं होना चाहिए ना। हाँ देख सकते हैं, एक छोटा सा बच्चा है जो भगवान शिव शंकर से ये मांगा है आज के दिन सावन के आखिरी सोमवार में कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। और यही बात हम सभी को समझनी चाहिए, हर समुदाय के लोगों को समझनी चाहिए, हिंसा कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जिससे कि उसके लिए कोई ऐसा निर्णय निकल सके जो हिंसा एक दूसरे समुदाय के प्रति फैलाई जाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।